मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एमआईएम पार्टी के वारिस पठान ने सभा को संबोधित करते हुए एक ऐसा बयान दिया है जिससे बवाल मचा हुआ है। एमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कर्नाटक के गुलबर्गा में विवादित बयान दिया है। एनआरसी CAA पर बोलते हुए वारिस पठान ने कहा है कि 100 करोड़ पर 15 करोड़ भारी पड़ेंगे। अब वारिस पठान के इस बयान से बवाल मचा हुआ है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने अब वारिस पठान के बयान को देश में टकराव पैदा करने वाला बयान बताया है। यानी वारिस पठान के बयान से राजनीति में अब बयानबाजी तेज हो गई है। ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लिया है हमने, मगर इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा। आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना। अब वक्त आ गया है, हमको बोला, मां बहनों को आगे भेज दिया, कुछ ब्लैंकेट पर बैठ गए। अरे भाई, अभी तो सिर्फ शेरनिया बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए। और समझ लो, अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। एमआईएम के लोग असदुद्दीन ओवैसी हों या अकबरुद्दीन ओवैसी हों या उनके छोटे मोटे नेता हों, इसी तरह की बयानबाजी करके देश में टकराव चाहते हैं, देश के सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं। पूरे देश के अंदर जो सामाजिक सौहार्द बना है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसको तोड़ना चाहते हैं। पहले अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि 15 मिनट के लिए अगर सेना हटा लो तो फैसला हो जाएगा। अब उनके नेता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और एमआईएम को मालूम होना चाहिए कि 15 मुसलमान भी उनकी इस बात को फॉलो करने वाला नहीं है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।